ए के मिश्रा जी, शबनम जाएंगे आपके पास। एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में हमेशा रहा, ठीक, केंद्र हो और चाहे राज्य की सरकार रही, यानी भाजपा और आम आदमी दोनों, ठीक है, दिल्ली में कूड़े का इतना बड़ा पहाड़, ठीक, आम आदमी वाले से पूछो मुस्कुरा कहता हमारे पास फार्मूला है, तो भैया दया करो, बोल ना ऐसे नहीं दया करेंगे, एमसीडी जिताओ तो दया करेंगे, तो बताएंगे, अभी फार्मूला जेब में रखेंगे, बताएंगे नहीं, ठीक। भाजपा वालों से पूछो वो भी गोलमोल को जवाब देकर निकल जाते हैं। 85 बार मैं देश सुन चुका, हाईकोर्ट सख्त नाराज, सुप्रीम कोर्ट उससे भी सख्त नाराज, एलजी ने बैठक बुलाई, फलाने ने बैठक बुलाई, हजारों किलो काजू की खपत हो गई होगी ऐसी बैठकों में क्या, लेकिन दिल्ली की सांस वहीं की वहीं चौक है और वर्ल्ड क्लास से नीचे कोई बात नहीं हो रही। मिश्रा जी क्या करें? अमिताभ जी, वचनम किम दरिद्रतम, हाँ। बोलने में क्या जाता है, और हाँ। भारतीय राजनीति की ये विशेषता रही है, इसके महागुरु में लालू प्रसाद यादव जी को बोला था, मानता हूं, जब उन्होंने बोला कि हम बिहार की सड़कें ऐसी बनवा देंगे कि आपको लगेगा कि एक हीरोइन का नाम लिया था कि उसके गाल पे चल रहे हैं, और बड़ी तालियां बजी थी, अट्रैक्शन वगैरह हुआ था। ये बड़े दुख की बात है। देखिए, दुख की बात ये है, आप बता रहे थे किसी नेता ने गारंटी शब्द का यूज किया है, कोई जरा पीआईएल अभी दायर कर दे और बताए कि गारंटी का मतलब क्या होता है, कि अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। स्पेशली ये एक लॉफुल जो है वर्ड है गारंटी, जिसमें कि वो चीजें आपको करनी होती हैं, लेकिन नेताओं को या तो ज्ञान नहीं है या उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या इलेक्शन कमीशन शायद अभी इतना जागरूक नहीं हुआ है। केजरीवाल जी से भी एक चीज आप और अगर ये पूछिए, तू डाल डाल मैं पात पात, केजरीवाल जी लेटेस्ट अवतार है, अतिशयोक्ति का जो प्रयोग है, एक अलंकार है अतिशयोक्ति, इतना जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। किसी भी योजना की फिजिबिलिटी आप इन प्रवक्ताओं से, नेताओं से, मुखिया से पूछ लीजिए कि भाई ये आप ऐसे करेंगे उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है, तो पता चलेगा सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है जितना इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है, मुझे ये लगता है इन लोगों को केवल बोलना है, और इनके अंतःकरण में भी ये क्लियर है कि अरे बोल दो, पहले चुनाव जीते, होगा नहीं होगा तो 50 बहाने हैं।